नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम शर्मा और आप देख रहे हैं ह्यूमन लेबोरेटरीज, अ चैनल डेडिकेटेड टू फिजिकल एजुकेशन, अ प्ले वे एजुकेशन। इस चैनल पे मेरी ये आज पहली वीडियो है, इसीलिए आज की वीडियो का टॉपिक मैंने रखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन का इंट्रोडक्शन करने से पहले हमें ये जानना जरूरी होगा कि मूवमेंट क्या है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि फिजिकल एजुकेशन में मूवमेंट की बहुत वैल्यू है। फिजिकल एजुकेशन के जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो मूवमेंट के ऊपर बेस होते हैं, इसलिए हमें ये जानना जरूरी है कि मूवमेंट क्या है, हमारे शरीर में मूवमेंट होती है कि नहीं होती है, होती है तो क्यों होती है, कैसे होती है, और इसकी इम्पोर्टेंस, इसके फायदे क्या हैं हमारे शरीर में मूवमेंट्स के। तो इसीलिए आज का हमारा जो टॉपिक इंट्रोडक्शन टू फिजिकल एजुकेशन है, उसमें हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल एजुकेशन एज ए साइंस मूवमेंट। मूवमेंट्स मूवमेंट इज द बेसिस फॉर सर्वाइवल टू ह्यूमन बींग्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मूवमेंट्स जो है वो हमारे सर्वाइव करने के लिए, हमें हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत ही जरूरी है। कैसे जरूरी है आइए देखते हैं। वी यूज डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट, सम एक्सटर्नल एंड सम अदर इंटरनल। हम आपको पता है कि हम बहुत सारे मूवमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, हलचल इस्तेमाल करते हैं। कुछ एक्सटर्नल होती हैं जो हमें दूर से दिख जाती हैं, और कुछ इंटरनल होती हैं जो हमारी इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं वो मूव करते हैं, वो हमें नेक टाई से बाहर से नहीं दिखते हैं लेकिन हमें पता है वो मूवमेंट्स होती हैं। तो एक्सटर्नल मूवमेंट्स शुरू करते हैं। वी यूज एक्सटर्नल मूवमेंट्स टू एडजस्ट विद एनवायरनमेंट। हम एक्सटर्नल मूवमेंट क्यों करते हैं? इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट करने के लिए, वातावरण के साथ एडजस्ट करने के लिए। कैसे? जैसे फॉर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो हम मूवमेंट के बिना नहीं जा सकते। हमारी टांगे मूव करती हैं, हमारी पूरी बॉडी मूव करती है, इसी इसी वजह से हम एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। चाहे हमने स्कूल जाना हो, कॉलेज जाना हो, ऑफिस जाना हो, अपने घर में मूवमेंट करनी हो, कोई भी कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें मूवमेंट करनी ही पड़ेगी। उसके बिना हम कहीं अपनी जगह चेंज नहीं कर सकते। उसके साथ है फॉर सिटिंग एंड स्टैंडिंग, बैठने के लिए और उठने के लिए भी हमें मूवमेंट की ज़रूरत है। बिना मूवमेंट्स के हम ना बैठ सकते हैं ना उठ सकते हैं। हमारे नी ज्वाइंट में मूवमेंट होती है, हिप ज्वाइंट में मूवमेंट होती है, हमारी कमर में मूवमेंट होती है, कंधों में मूवमेंट होती है, इसी वजह से हम उठ सकते हैं और बैठ सकते हैं। अगर ये मूवमेंट्स ना हो, ये एक्सटर्नल मूवमेंट्स हैं, अगर ये एक्सटर्नल मूवमेंट्स ना हो तो हम ना बैठ सकेंगे ना उठ सकेंगे। उसके साथ ही जैसा कि आप देख रहे हैं, फॉर ईटिंग, खाने के लिए भी हमें मूवमेंट की ही ज़रूरत होती है। बिना मूवमेंट की हम खाना भी नहीं खा सकते हैं, क्योंकि खाने को पकड़ने के लिए हाथ की मूवमेंट चाहिए, खाने को चबाने के लिए मूवमेंट की अपने जॉ की मूवमेंट चाहिए, माउथ में मूवमेंट चाहिए, टंग की मूवमेंट चाहिए। अपनी हमारी टंग जो है खाने को दांतों के नीचे धकेलती है। तो ये सभी एक्सटर्नल मूवमेंट्स जो हमें बाहर से दिखती हैं, इनकी बहुत ज़रूरत होती है खाने में भी। फॉर होल्डिंग अ बुक, भाई किताब पकड़ने के लिए भी मूवमेंट की ज़रूरत है। अगर मूवमेंट्स ना हो हमारे हाथों में, हमारे बाजुओं में, हमारे फिंगर्स में, हाथों की उंगलियों में मूवमेंट ना हो तो हम बुक को नहीं पकड़ पाएंगे, होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए भी मूवमेंट की ही ज़रूरत होती है। इसी के साथ है फॉर राइटिंग, लिखने के लिए भी हमें मूवमेंट की ज़रूरत है। अगर हमारी बॉडी में मूवमेंट ना हो, हमारे हाथों में, हमारी उंगलियों में मूवमेंट ना हो तो हम कुछ लिख भी नहीं पाएंगे, ना कुछ टाइप कर पाएंगे, ना मोबाइल को हाथ में पकड़ पाएंगे, ना हम पेंटिंग कर पाएंगे। फॉर टॉकिंग, अभी मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं तो आप भी बोलते हैं, तो बोलने के लिए आपने देखा होगा हमारा माउथ लगातार मूवमेंट करता रहता है, हमारी टंग मूवमेंट करती है। तो ये सभी एक्सटर्नल मूवमेंट्स हैं, बोलने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर मूवमेंट्स ये वाली ना हो तो हम बोल भी नहीं सकते हैं। फॉर होल्डिंग अ मोबाइल फोन, मोबाइल फोन अगर आपने पकड़ा हुआ है हाथ में, अगर आप लैपटॉप चला रहे हैं, लैपटॉप पकड़ा हुआ है, तो इनको पकड़ने के लिए, चलाने के लिए भी हमारी एक्सटर्नल बॉडी की मूवमेंट्स बहुत ही ज़रूरी होती हैं। एंड मैनी मोर, और आपको पता है और भी काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं जो हम जहाँ पे कवर नहीं कर सकते हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि हमारी एक्स्ट्रा बॉडी में एक्सटर्नल मूवमेंट्स कौन सी होती हैं और ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। ऑल दीज मूवमेंट्स आर नेसेसरी फॉर आवर सर्वाइवल। तो आप सबको पता है कि अगर ये मूवमेंट ना हो, हम एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते,
हम बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते, हम खाना नहीं खा सकते, हम बुक्स को नहीं पकड़ सकते, कोई और चीज़ हो उसको नहीं पकड़ सकते, हम लिख नहीं सकते, हम पेंटिंग नहीं कर सकते, हम बोल नहीं सकते, हम मोबाइल फ़ोन नहीं पकड़ सकते, हम बातें नहीं कर सकते, अब कोई भी चीज़ मैक्सिमम जो होती है वो नहीं कर सकते, क्योंकि ये सभी मूवमेंट्स के जरिए ही होती है। तो एक्सटर्नल मूवमेंट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं हमारी लाइफ में। तो ये तो बात होगी एक्सटर्नल मूवमेंट्स की। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट इंटरनल मूवमेंट्स की। तो क्या आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में इंटरनल मूवमेंट्स होती हैं कि नहीं होती हैं? आप सोचिए ज़रा। वी आल्सो यूज इंटरनल मूवमेंट्स फॉर आवर सर्वाइवल। हम जिंदा रहने के लिए इंटरनल मूवमेंट्स भी इस्तेमाल करते हैं। इंटरनल मूवमेंट्स कौन सी होती हैं? जो हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में मूवमेंट्स होती रहती हैं। हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट्स भी मूव करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम्पल दे के आप समझ जाओगे, आवर हार्ट मूव्स एंड पम्प्स ब्लड। हमारा दिल आपको पता है धड़कता रहता है, जिंदगी भर धड़कता रहता है। जब धड़कना बंद किया तब हम गए, तो इसका मतलब है हमारा दिल धड़क रहा है। तो ये कौन सी मूवमेंट है? ये है इंटरनल मूवमेंट्स। जैसे आप डायग्राम में पिक्चर में देख रहे हैं, एक साइड पे रिलैक्स लिखा हुआ है, रिलैक्स्ड हर्ट है, एक साइड पे कॉन्ट्रैक्टेड हर्ट है। जिस साइड पे रिलैक्स्ड है उसका साइज ज़्यादा है, जिस साइड पे कॉन्ट्रैक्टेड है उसका साइज कम है। इसका मतलब है कि जो हमारा हार्ट है वो मूव करता है, इसी वजह से ब्लड पंप होता है और पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, उससे हमें एनर्जी मिलती है और उसे हम उस वजह से हम जिंदा रह पाते हैं। नेक्स्ट मूवमेंट, इंपॉर्टेंट मूवमेंट है अवर डाइजेस्टिव ट्रैक मूव्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेस एंड पुश फूड अलॉन्ग द डाइजेस्टिव ट्रैक। हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक जो है, मतलब पाचन तंत्र है, जो हमारी इसोफेकस है, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये सभी भी मूव करते हैं। मूव करते हैं मतलब आगे पीछे दौड़ते नहीं हैं ये। इनकी जो वेसल्स हैं, या फिर ये जो पाइप बोलते हो आप, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है या लार्ज इंटेस्टाइन है, तो ये क्या करती है खुद में, ये जैसे डायग्राम में आप देख रहे हो कॉन्ट्रैक्टेड मसल, इसमें इन डाइजेस्टिव ट्रैक में स्मूथ मसल्स होते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वो रिलैक्स करते हैं। इन्हीं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से आप डायरेक्शन ऑफ फूड देख रहे हो, खाना आगे मूव करता रहता है और खाना मूवमेंट पहले इसोफेगस में जाएगा, फिर स्टोमक में जाएगा, फिर आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि खाना हमारा सिर्फ ग्रेविटी की वजह से मूव करता है, तो वो इतना सही नहीं है, क्योंकि अगर आप उल्टा लटक के भी कोई कुछ चीज़ खाओगे वो भी पेट में चली ही जाएगी। इसका मतलब है हमारा बॉडी भी, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक भी मूव करता है और खाने को आगे धकेलता है, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उससे हमें खाना, हमारा खाना पचता है और हमें एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट डायग्राम जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ, साथ में लिखा भी हुआ है, आवर लंग्स रिब केज एंड डायफ्रेगम मूव टू इनहेल एंड एक्सहेल एयर। लंग्स आपको पता है फेफड़े होते हैं, रिब केज आपको पता है फेफड़ों के ऊपर जो हड्डियों का ढांचा होता है जिसमें रिब्स आती हैं वो रिब केज है। डायफ्रेगम जो नीचे एरो दिख रही है वो डायफ्रेगम के लिए एरो है, नीचे वो डायफ्रेगम मसल होता है, लंग्स के बिल्कुल नीचे होता है। तो ये तीनों, लंग्स के नीचे डायफ्रेगम, लंग्स के सराउंडिंग में रिब केज और लंग्स खुद, ये तीनों मूव करते हैं। इनकी मूवमेंट से ही हवा हमारे बॉडी में के अंदर आती है, हम सांस लेते हैं और सांस बाहर छोड़ते हैं, इनहेल करते हैं एंड एक्सहेल करते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में फिर से देख सकते हैं कि एरो बनी हुई है, सबसे पहले जहाँ ब्रीथ लिखा हुआ है और नीचे नीचे की तरफ एरो है, इसका मतलब है जो डायफ्रेगम है वो नीचे की तरफ मूव किया, जो सामने की तरफ एरो है उसका मतलब है कि जो रिब केज बाहर की तरफ मूव हुआ, और जो आपके माउथ के पास एरो है तो उसको, उससे क्या हुआ, हवा अंदर आ गई। मतलब डायफ्रेगम नीचे गया, रिब केज बाहर आया, लंग्स बड़ी हुई, प्रेशर कम हुआ हवा का और हवा अंदर आ गई। वैसे ही दूसरी डायग्राम में लिखा हुआ है डायफ्रेगम की एरो ऊपर की तरफ है, मतलब वो अंदर की तरफ पुश कर रहा है, रिब्स भी अंदर की तरफ पुश कर रही हैं, तो इससे क्या होता है, दबाव बढ़ता है लंग्स के ऊपर, लंग्स मूव करती हैं अंदर की तरफ, प्रेशर बढ़ता है और हवा भागते हुए बाहर आ जाती है, हम सांस छोड़ देते हैं। मतलब हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं इन्हीं मूवमेंट्स की वजह से, ये इंटरनल मूवमेंट्स भी बोल सकते हैं आप इनको। रिब केज जो है वो आप एक्सटर्नल मूवमेंट्स में भी देख सकते हो। साथ में हमारा जो आप देख रहे हो ये नेक्स्ट डायग्राम, फैमिलियर होंगे आप सभी ने देखी होगी, ये मसल सेल की डायग्राम है। तो इसमें क्या होता है, हमारे मसल्स फाइबर जो हैं, रेड फाइबर आप दिखाई देख रहे हो डायग्राम में और ब्लू फाइबर देख रहे हो, जो दोनों फाइबर जो एक ऊपर डायग्राम है और एक नीचे डायग्राम है, जो ऊपर वाली डायग्राम है वो आप देख रहे हो वहाँ पे दोनों फाइबर ज़्यादा दूर दूर हैं और नीचे वाले डायग्राम में वो पास पास आ गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ है कि जो ऊपर डायग्राम है वहाँ पे जो ब्लू और रेड फाइबर है उन्होंने मूव किया, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड किया, स्लाइड
स्लाइड करके वो आपस में पास पास आ गए, मतलब वो मूव कर रहे हैं, हमारे मसल फाइबर मूव करते हैं, इन्हीं की वजह से हमारी बॉडी में मूवमेंट्स होती है। और ये जो मसल फाइबर मूव कर रहे हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं, इस थ्योरी को बोल जो जो इस जो थ्योरी ये कहती है उसको बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ये भी हम डिटेल में नेक्स्ट किसी वीडियो में हम जरूर कवर करेंगे डिटेल में। तो उसके साथ ही देख देख सकते हो दूसरी फोटो में बाइसेप्स मसल की फोटो दी गई है। बाइसेप्स मसल जहाँ पे कॉन्टैक्ट हो गया है, मतलब जो स्लाइडिंग फाइबर्स हैं वो पास पास आ गए, मसल कॉन्टैक्ट हो गया और इंटरनल मूवमेंट हुई, उसकी वजह से हमें एक्सटर्नल मूवमेंट भी दिख रही है। एक्सटर्नल मूवमेंट्स में क्या हुआ, हमारी बाजू पहले सीधी थी, जब बाइसेप्स कॉन्टैक्ट हुआ बाजू फोल्ड होगी, एल्बो पे एंगल कम हुआ और फ्लेक्शन होगी। तो ये एक्सटर्नल मूवमेंट हो रही है, लेकिन किसकी वजह से, जो इंटरनल मूवमेंट मसल्स फाइबर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं, ये होगी इंटरनल मूवमेंट्स। आवर ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट एंड रिलैक्स टू सर्कुलेट ब्लड, हमारी ब्लड वेसल्स जो हैं ये भी स्मूथ मसल से बनी होती है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्स करती हैं, और इनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से ही हमारे ब्लड जो है वो थोड़ा उसको हेल्प मिलती है मूव करने के लिए, खास करके हमारी टांगों में जो ब्लड है जो वापस ऊपर आना होता है हार्ट की तरफ, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट उसको ऊपर आना है, तो ऊपर आने के लिए जो हमारी वेन्स हैं वो ये मूवमेंट्स थोड़ी थोड़ी करती हैं, वो कंस्ट्रक्ट रिलैक्स करती हैं। एक और एग्जाम्पल है ब्लड वेसल की रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन की, वो एग्जाम्पल है जैसे आप एक्सरसाइज शुरू करते हैं, जब आप एक्सरसाइज शुरू करेंगे, मान लो आपने रनिंग शुरू की, तो रनिंग करते समय आपके मसल्स में ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए मतलब ज़्यादा ब्लड चाहिए, ज़्यादा ब्लड चाहिए मतलब वहाँ की ब्लड वेसल क्या करती हैं, थोड़ा सा रिलैक्स होती हैं, अपना सर्कमफेरेंस बड़ा करती हैं, सर्कमफेरेंस बड़ा करने की वजह से वहाँ ज़्यादा ब्लड जाता है और वो जो नीड है ज़्यादा ऑक्सीजन की और ज़्यादा ज़्यादा एनर्जी की वो मिल जाती है। और बाद में जब हम एक्सरसाइज करना बंद कर देते हैं तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत नहीं होती है, जब हम रेस्ट पीरियड में होते हैं तो वही ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और वहाँ पे कम ब्लड जाना शुरू हो जाता है, मतलब हमारी ब्लड वेसल्स जो हैं वो भी मूव कर रही हैं, उनकी वजह से हमारा ब्लड फ्लो जो है वो रेगुलेट होता है, और जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है ब्लड की वहाँ पे जाता है, जहाँ पे कम है वहाँ पे वो कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं और वहाँ पे कम जाता है। ये भी एक टाइप की इंटरनल मूवमेंट है। एंड मैनी मोर इंटरनल मूवमेंट्स आर देयर इन आवर बॉडी दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल। और इसके साथ साथ ये तो हमने मेन मेन का डिस्कस किया टाइम की वजह से, कम होने की वजह से आपको समझाने के लिए, बाकी जो और मूवमेंट्स हैं वो भी आप पता किसी को कुछ जानना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये मेन मेन मूवमेंट्स थी, और भी बहुत सारी मूवमेंट्स हैं जो इंटरनल मूवमेंट हमारी बॉडी में हमेशा चलती रहती हैं और उन्हीं की वजह से हम जिंदा हैं। तो आपने यहाँ पे हमने स्टडी किया एक्सटर्नल मूवमेंट क्या है, इंटरनल मूवमेंट्स क्या हैं, तो हैंस इट इज क्लियर दैट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट मूवमेंट। तो हम कह सकते हैं कि जो मूवमेंट्स के बिना हम सर्वाइव रह ही नहीं सकते हैं, चाहे वो एक्सटर्नल मूवमेंट हो वो ना हो तो भी हम जिंदा नहीं रह सकते। इंटरनल मूवमेंट्स जो हैं, जो डाइजेस्टिव ट्रैक की मूवमेंट है, हार्ट मूव कर रहा है, लंग्स मूव कर रही है, मसल्स मूव कर रहे हैं, ब्लड वेसल मूव कर रहे हैं और बहुत सारे सेल्स एंड टिश्यूज मूव कर रहे हैं, तो इन सभी की मूवमेंट्स की वजह से ही हम जिंदा हैं। तो अभी हम और ज़्यादा डिटेल में जाएंगे एक्सटर्नल मूवमेंट्स की। एक्सटर्नल मूवमेंट जो हैं वो आप बाहर से देखते हैं कि हम जो एक्सटर्नल मूवमेंट कर रहे हैं, हम बड़ी बड़ी मूवमेंट भी करते हैं, हम जंपिंग करते हैं, हम थ्रोइंग करते हैं, हम रनिंग करते हैं, हम गेम्स खेलते हैं, हम छोटे छोटे मूवमेंट्स भी करते हैं, हमारी पलकें भी झपकती हैं, हमारी आंखें भी आगे पीछे देखती हैं, हमारी रिस्ट मूवमेंट फिंगर मूवमेंट होती हैं, तो ये डिफरेंट टाइप्स की एक्सटर्नल मूवमेंट्स होती हैं। तो अभी हम स्टडी करेंगे कि एक्सटर्नल मूवमेंट्स कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है फाइन मूवमेंट्स, फाइन मूवमेंट्स मतलब स्मॉल मूवमेंट, छोटी छोटी मूवमेंट्स, ये कौन सी होती हैं। देर आर सम फाइन मूवमेंट्स दैट इन्वॉल्व स्मॉल नंबर एंड स्मॉल साइज ऑफ मसल्स। हमारी बॉडी में फाइन मूवमेंट्स कौन सी होती हैं जिसमें बहुत छोटे छोटे मसल इस्तेमाल होते हैं और बहुत कम मसल, 2, 4, 10 इतने ही मसल इस्तेमाल होते हैं, ज़्यादा मसल इस्तेमाल नहीं होते हैं, वो होगी फाइन मूवमेंट्स। तो ये डेफिनेशन पढ़ के आप समझ गए होंगे कि फाइन मूवमेंट्स कौन सी होती हैं, जहाँ पे बहुत छोटे छोटे मसल इस्तेमाल हो रहे हों और बहुत ही कम मसल इस्तेमाल हो रहे हों। चलो एग्जाम्पल से और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो जैसे आप फोटो में भी देख रहे हैं, एक इंडिविजुअल एक राइट अपनी राइट साइड देख रहा है, मतलब उसकी आंख मूव करी, उसकी आई बॉल ने मूव किया, मूवमेंट ऑफ आवर आईज, तो आई बॉल मूव करता है, हमारा राइट साइड मूव करता है, लेफ्ट साइड मूव करता है, ऊपर देखता है नीचे देखता है, दोनों साइड मतलब ये मूवमेंट करता है, लेकिन ये मूवमेंट कैसी है, बहुत कम मसल इस्तेमाल हो रहे हैं, बहुत छोटे छोटे मसल इस्तेमाल हो रहे हैं, इसलिए ये कौन सी मूवमेंट है, फाइन मूवमेंट है, फाइन एक्सटर्नल मूवमेंट जो हम देख भी था पाते हैं बाहर से।
नेक्स्ट जो आप पिक्चर देख रहे हैं आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, मूवमेंट ऑफ आवर फिंगर्स ड्यूरिंग पेंटिंग या फिर ड्यूरिंग राइटिंग। लिखते समय पेंटिंग करते समय हमारे फिंगर्स कितनी धीरे धीरे कितनी एक्यूरेट तरीके से वो राइट कर रही होती है और कितनी छोटी रेंज में मूव करती है हमारी फिंगर्स। तो ये जो छोटा रेंज है मतलब इसमें क्या हो रहा है, स्मॉल नंबर बहुत कम मसल इस्तेमाल हो रहे हैं, हाथ के बहुत कुछ कुछ मसल इस्तेमाल हो रहे हैं और स्मॉल साइज और छोटे छोटे मसल इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इसलिए ये भी एक टाइप की फाइन मूवमेंट है। नेक्स्ट और कौन सी मूवमेंट होती है हमारी फाइन मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ आवर आई लिड। हमारी आई लिड आप पलक झपकते हैं, हम जिंदगी भर पलक झपकते हैं, मतलब ये इतनी बड़ी मूवमेंट नहीं है। इसमें भी क्या हो रहा है, बहुत कम मसल इस्तेमाल हो रहे हैं और बहुत छोटे छोटे मसल इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये भी एक फाइन मूवमेंट होगी। और एग्जाम्पल है मूवमेंट ऑफ आवर रिस्ट, हमारे रिस्ट कलाई की मूवमेंट। कलाई की मूवमेंट कहाँ होती है, जैसे लिखने में भी कलाई की मूवमेंट हो रही है, हम टेबल टेनिस खेलते हैं कलाई की मूवमेंट होती है थोड़ी सी, ठीक है, हम वॉलीबॉल खेलते हैं बॉलिंग करते हैं उसमें भी वो बिग मसल मूवमेंट तो हो रही है, अगर आप सिर्फ रिस्ट को देखेंगे तो वहां पे फाइन मूवमेंट हो रही है। तो ये होगी फाइन मूवमेंट। दीज मूवमेंट्स रिक्वायर लेस एनर्जी एंड एफर्ट। फाइन मूवमेंट्स कौन से होती हैं, जिसमें बहुत कम मसल इस्तेमाल होते हैं और बहुत छोटे छोटे मसल इस्तेमाल होते हैं। जब कम मसल इस्तेमाल होंगे और छोटे छोटे मसल इस्तेमाल होंगे तो ये एनर्जी भी ऑब्वियसली ये कम एनर्जी इस्तेमाल करेंगे और इसमें एफर्ट भी कम लगेगा। दीज आर कॉल्ड स्मॉल मसल मूवमेंट्स आर फाइन मूवमेंट्स, इसलिए हम इनको स्मॉल मसल मूवमेंट भी बोलते हैं और या फिर फाइन मूवमेंट्स भी बोलते हैं। तो ये होगी बात फाइन मूवमेंट की। अभी हम बात करेंगे बिग मसल मूवमेंट्स की। एक्सटर्नल मूवमेंट में बिग मसल, एक्सटर्नल मूवमेंट में बिग मसल मूवमेंट्स की। बिग मसल मूवमेंट्स कौन सी होती हैं, देर आर सम मूवमेंट्स दैट इन्वॉल्व मोर नंबर ऑफ मसल्स एंड बिग मसल ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर में ऐसी बहुत सारी मूवमेंट्स हैं जिसमें हम बहुत ज़्यादा मसल इस्तेमाल करते हैं और बहुत बड़े बड़े मसल भी इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं आप समझ गए होंगे ये किसकी एग्जांपल है, सिटिंग एंड स्टैंडिंग, बैठने में और उठने में, खास करके जो स्पोर्ट्स में हम स्क्वाट लगाते हैं, बैठते उठते हैं एक्सरसाइज करते हैं तो वहाँ पे किसकी इंटेंसिटी और बढ़ जाती है। तो बैठने और उठने में हमारे बॉडी के बहुत सारे मसल इस्तेमाल होते हैं, जैसे आप देख रहे हो आपके पाँव के मसल, आपके काफ मसल, आपके हैमस्ट्रिंग, आपके क्वाड्रिसेप्स मतलब जांघों के मसल, आपके हिप मसल, आपके कमर के मसल, हाथों के मसल, मतलब बहुत सारे लगभग बहुत सारे मसल इस्तेमाल हो रहे हैं और बहुत बड़े बड़े मसल भी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये होगी एक बिग मसल मूवमेंट। दूसरा आप पिक देख रहे हैं कुछ स्पोर्ट्समैन वॉक कर रहे हैं तो ये होगी वॉकिंग। वॉकिंग भी एक बिग मसल मूवमेंट है, इसमें भी हमारे बॉडी के लगभग बहुत सारे बड़े बड़े मसल और अपर और लोअर बॉडी के मसल दोनों इस्तेमाल होते हैं और बहुत ज़्यादा मसल इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट रनिंग, रनिंग में भी बहुत सारे मसल इस्तेमाल होते हैं और वॉकिंग से ज़्यादा इंटेंसिटी होती है, वॉकिंग से ज़्यादा मसल भी इन्वॉल्व होते हैं उसमें और एनर्जी भी ज़्यादा लगती है। जंपिंग, जंपिंग में भी आप देख रहे हैं कि एक इंडिविजुअल जंप कर रहा है तो उसको जहाँ से जंप करने के लिए कितने ज़्यादा मसल इस्तेमाल कर रहा है, वो पूरे लगभग पूरी बॉडी के मसल इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ये भी बिग मसल मूवमेंट है। थ्रोइंग, थ्रोइंग भी एक बिग मसल मूवमेंट है, चाहे आप जैवलिन थ्रो करो, आप शॉट पुट करो, आप डिस्कस थ्रो करो, या फिर आप क्रिकेट बॉल फेंको, आप फुटबॉल फेंको, वॉलीबॉल फेंको, बास्केटबॉल फेंको, कोई भी थ्रो करो, उसमें बहुत सारे बड़े बड़े मसल इस्तेमाल होते हैं, सिर्फ शोल्डर ही नहीं इस्तेमाल होता, पूरी बॉडी के मसल इस्तेमाल होते हैं थ्रोइंग के समय अगर आप सही तरीके से थ्रो करेंगे। तो ये भी एक बिग मसल मूवमेंट है। और साथ में है प्लेइंग डिफरेंट गेम्स एंड स्पोर्ट्स, तो पूरी गेम्स एंड स्पोर्ट्स में यही वॉकिंग रनिंग जंपिंग थ्रोइंग होती है। तो ये जितनी भी गेम्स खेलेंगे वहाँ पर आपको यही मिलेगा, सिटिंग स्टैंडिंग वॉकिंग रनिंग जंपिंग थ्रोइंग और चेंजिंग डायरेक्शन। तो डिफरेंट गेम्स एंड स्पोर्ट्स खेलने में भी जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स में मूवमेंट्स होती हैं वो बिग मसल मूवमेंट्स ही होती हैं, जैसे प्लेइंग बैडमिंटन, प्लेइंग कबड्डी, यहाँ पे आप देख रहे हो एक प्लेयर कबड्डी खेल रहा है, जो रेडर है वो कितनी इंटेंसिटी से मूवमेंट कर रहा है, पूरी बॉडी उसकी मूव हो रही है और बड़े बड़े मसल इस्तेमाल हो रहे हैं। जो डिफेंडर हैं वो भी अपने सभी मसल इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई जंप कर रहा है, कोई रन कर रहा है, कोई कैच करने की कोशिश कर रहा है, तो सभी मसल लगभग इस्तेमाल हो रहे हैं। साथ में फुटबॉल में या फिर और कोई गेम हो, क्रिकेट हो, बास्केटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, जितनी भी डिफरेंट गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैं उसमें बिग मसल मूवमेंट्स ही इस्तेमाल होती हैं, स्मॉल भी होती हैं लेकिन बिग मसल मूवमेंट्स भी इस्तेमाल होती हैं। दीज मूवमेंट्स रिक्वायर मोर एनर्जी एंड एफर्ट। तो आप सभी को वैसे पता भी है कि ये सभी जो बिग मसल मूवमेंट है, रनिंग, सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, जंपिंग, थ्रोइंग या प्लेइंग डिफरेंट गेम्स एंड स्पोर्ट्स, तो
इन सभी मूवमेंट्स में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि बहुत ज़्यादा मसल इस्तेमाल हो रहे हैं, और मसल वो टिश्यू है जो एनर्जी इस्तेमाल करता है, और बहुत बड़े बड़े मसल इस्तेमाल हो रहे हैं, बड़े मसल इस्तेमाल हो रहे हैं तो वो ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल करेगा, मतलब बहुत इट रिक्वायर्स मोर एनर्जी एंड एफर्ट, और एफर्ट भी इसलिए बहुत ज़्यादा चाहिए। तो इन मूवमेंट्स में, एक्सटर्नल मूवमेंट्स में ज़्यादा एफर्ट चाहिए और ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो हमने देखा कि जो फाइन मूवमेंट्स है उसमें कम एफर्ट चाहिए, कम मसल, क्योंकि कम एफर्ट और कम एनर्जी चाहिए फाइन मूवमेंट्स में, बिकॉज वहाँ पे मसल छोटे छोटे इस्तेमाल होते हैं और कम मसल इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जो हमारे बिग मसल मूवमेंट है वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा मसल इस्तेमाल होते हैं और बहुत बड़े बड़े मसल इस्तेमाल होते हैं, इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए और बहुत ज़्यादा एफर्ट चाहिए। तो आप सबको वैसे पता भी होगा जो ये बिग मसल मूवमेंट्स हैं, रनिंग, जंपिंग, वॉकिंग, थ्रोइंग और प्लेइंग डिफरेंट गेम्स, तो ये अगर आप किसी को बोलोगे कि किसी भी बच्चे को बोलोगे कि आपने खेलना है, वो बड़ी खुशी खुशी दौड़ते दौड़ते आएगा खेलने के लिए। तो एवरी चाइल्ड एंड इवन एडल्ट एंजॉयज टू परफॉर्म दीज बिग मसल मूवमेंट्स। तो हम सबको वैसे, जैसे मैं पहले भी डिस्कस कर रहा था, बता रहा था कि जो बिग मसल मूवमेंट्स हैं, चाहे वो रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग हो, प्लेइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स, स्पोर्ट्स हो, तो उसमें क्या होता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, वो खेलने में खुश रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं। एवरी वन इज हैप्पी इन प्लेइंग डिफरेंट गेम्स एंड स्पोर्ट्स, आइदर इंडिविजुअल और ग्रुप, लाइक फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल और हॉकी। और अभी हम ये कहें, क्योंकि अभी हम हमें पता है कि सभी बच्चे, सभी बुजुर्ग या सभी एडल्ट, अगर उनको टाइम मिले, उनको फैसिलिटीज मिले, उनको हर एक चीज़ प्रोवाइड की जाए, तो वो खेलने में बहुत ही खुश रहेंगे। और अगर हम कोई ऐसा मेथड डेवलप करें कि हम इन्हीं फिजिकल, जो बिग मसल एक्टिविटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैं, हम इन्हीं गेम्स और एंड स्पोर्ट्स का इस्तेमाल करके हम बच्चों को एजुकेट करें, हम लोगों को एजुकेट करें, कर सकें, तो ये कितनी अच्छी बात होगी। और एक हिसाब से इट विल बी अ मिरेकल इफ़ वी कैन एजुकेट अ चाइल्ड बाई दीज बिग मसल एक्टिविटीज, प्लेइंग डिफरेंट गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो ये क्या हो जाएगा, मिराकल हो जाएगा, एक जादू हो जाएगा, जादू ही होगा भाई। सभी खेलने आएंगे, खुशी खुशी खेलेंगे, वो तो खेल रहे होंगे लेकिन साथ साथ में हम क्या कर रहे होंगे उनको पता भी नहीं चलेगा, वो एजुकेट भी हो जाएंगे, तो ये एक मिराकल ही होगा। तो क्या ऐसा हो सकता है? हम उनको पार्टिसिपेट तो करवा सकते हैं, गेम्स तो खिला सकते हैं, लेकिन क्या गेम्स खेलने से, क्या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने से, बिग मसल में पार्टिसिपेट करने से एजुकेशन होती है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और इसका आंसर है हाँ। एंड फिजिकल एजुकेशन इज दैट फील्ड विच कैन मेक दिस ड्रीम ट्रू। और फिजिकल एजुकेशन एक ऐसी फील्ड है, एक ऐसी साइंटिफिक वेल प्लान प्रोग्राम्स होते हैं फिजिकल एजुकेशन में, जो क्या करते हैं, जो इन्हीं एक्टिविटीज, गेम्स एंड स्पोर्ट्स का इस्तेमाल करके बच्चों को एजुकेट कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मिराकल नहीं हुआ, ये बहुत बड़ा मिराकल हुआ कि फिजिकल एजुकेशन ऐसी फील्ड है जो इन मोमेंट्स का इस्तेमाल करके एजुकेट करती है। फिजिकल एजुकेशन यूटिलाइज दीज बिग मसल मूवमेंट्स टू एजुकेट इंडिविजुअल्स। तो ये एक बहुत बड़ा मिराकल है जिसे ये सपना सच हो सकता है, लेकिन जहाँ पे अभी भी क्वेश्चन मार्क है कि क्या सच में फिजिकल एजुकेशन ऐसा करता है कि नहीं करता है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये हम नेक्स्ट, अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपनी नेक्स्ट, तो ये जो क्वेश्चन है जो कि सच में एजुकेशन होती है कि नहीं होती है, तो ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगा कि हाँ सच में फिजिकल एजुकेशन ऐसा करता है या नहीं करता है, अगर करता है तो कैसे करता है, किस तरह से करता है, किस तरह से फिजिकल एजुकेशन एजुकेट करता है बिग मसल एक्टिविटीज़ को इस्तेमाल करके। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक ये रहेगा, मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन डिटेल, डिटेल में हम जो मीनिंग है सच में फिजिकल एजुकेशन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल एजुकेशन, वो डिटेल में स्टडी करेंगे, एंड हाउ इट एजुकेट इंडिविजुअल्स बाय चूजिंग बिग मसल एक्टिविटीज़, और इंडिविजुअल्स को बिग मसल एक्टिविटीज़ इस्तेमाल करके कैसे एजुकेट किया जाता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। आई होप दैट आई एम एबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ क्लियरली। तो मैं ये यहाँ से होप करता हूँ कि मैं जो बताना चाहता था आपको, जो जो आपसे शेयर करना चाहता था इन्फॉर्मेशन, वो मैं अच्छी तरह से शेयर कर पाया हूँ और आपने भी अच्छी तरह से इसको गैदर किया है। अगर आपका कोई भी सवाल, कोई भी आपका राय हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं अपने ही। और दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो ऑन फिजिकल एजुकेशन, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, ये मेरी पहली वीडियो है।
मैं इससे पहले कभी मैंने वीडियो अपलोड नहीं करी है, इसलिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है कि मैं फिजिकल एजुकेशन की इंफॉर्मेशन जो है जो आप सबके साथ भी शेयर कर सकूं। आप मेरी प्रोफाइल मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। डू लाइक सब्सक्राइब एंड प्रेस नोटिफिकेशन बेल टू गेट नोटिफिकेशन अबाउट माई नेक्स्ट वीडियो। तो अगर आपने मेरी नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो इसके लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ में आप मेरी आज की वीडियो भी लाइक करें बिकॉज इट विल मोटिवेट मी टू अपलोड मोर वीडियोस। तो इससे क्या होगा, मैं और ज़्यादा वीडियो अपलोड करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा और मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा और ज़्यादा डिटेल में आपको फिजिकल एजुकेशन के रिलेटेड अपनी नॉलेज जो है वो शेयर करता रहूँगा और बहुत अच्छी वीडियो बनाने में मुझे मोटिवेशन मिलेगा। टिल देन गुड बाय। इट आई विल ट्राई टू मेक माई नेक्स्ट वीडियो मोर इफेक्टिव। बी हैप्पी एंड कीप लविंग फिजिकल एजुकेशन। कीप लविंग फिजिकल एजुकेशन। कीप डूइंग फिजिकल एक्टिविटीज़ बिकॉज फिजिकल एजुकेशन इज अ प्ले बे एजुकेशन। इट एजुकेट यू। ये आपको एजुकेट करती है। सिंपली आप खेलते रहो, आपको एजुकेशन मिलेगी, पक्का मिलेगी। कैसे मिलेगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन गुड बाय। थैंक यू व्यूअर्स। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।